And this is Zainab, a summer intern at Alexis & Company. So today I'm going to discuss about a case that is Priya Ramani versus MG Akbar case, which was last year in 2020 passed by the Supreme Court only, in which Priya Ramani was acquitted from her case of defamation. So let's discuss basically what happened. So back in 2017 and 2018, a Me Too movement was started. जिसमें एक हॉलीवुड का बहुत ही फेमस प्रोड्यूसर हार्वे वेंस्टीन, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा केसेस लगे थे मी टू मूवमेंट के, जिसमें आप सबने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया साइट्स पर या फिर हर जगह न्यूज़पेपर आर्टिकल्स ब्लॉग्स बहुत सी लेडीज पोस्ट कर रही थी मी टू मूवमेंट के उनके साथ कैसे कैसे सेक्सुअल हरासमेंट हुए, द केसेज एंड एवरीथिंग दे वर डिस्कसिंग, कि कैसा वो एक्सपीरियंस था आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड एंड ऑल. तो इसके अंडर सारे वेमेन अपने साथ सेक्सुअल कंडक्ट हुए हुए सब कुछ डिस्कस कर रही थी ऑन सोशल मीडिया साइट्स और इन एवरीथिंग. सो साइड बाय साइड दिस मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया आल्सो. एंड व्हाट हैपेंड कि इंडिया में भी इज यू ऑल हैव रेड कि बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे बहुत सारे लेडीज देवर डिस्कसिंग देवर टेलिंग की अबाउट द सेक्सुअल हरासमेंट केस और एवरीथिंग विच दे हैव एक्सपीरियंसड इन पास्ट और नाउ और एनी टाइम. तो बैक टू अवर केस, इस केस में दो पार्टीज है. फर्स्ट इज़ प्रिया रमानी एंड द सेकेंड इज़ एम जी अकबर. प्रिया रमानी एक बहुत ही ज़्यादा फेमस जर्नलिस्ट हैं एंड एम जी अकबर ही वॉज अ यूनियन मिनिस्टर एट दैट टाइम फॉर्मर. एंड देन राइट नाउ वो जर्नलिस्ट की लाइन्स में ही इज़ वेरी मच फेमस राइट नाउ. तो इस केस में बेसिकली हुआ क्या कि प्रिया रमानी डिस्कस्ड अबाउट एन इंसिडेंट बैक इन 1997, जिसमें उस टाइम पे जो एम जी अकबर थे ही वाज द हेड एडिटर ऑफ द एशियन एज न्यूज़पेपर. तो बैक देन ही कॉल्ड हर इन अ होटल फॉर द इंटरव्यू, जिसको प्रिया रमानी ने बहुत ही लाइक इजीली कहा कि इट वाज इन डेट नीदर एन इंटरव्यू. उन्होंने बहुत आराम से इस चीज़ को बोला और जस्टिफाई भी किया. और साइड बाय साइड उसके साथ जो भी चीज़ें हुए उनके साथ प्रिया रमानी के साथ, शी डिस्कस्ड इट इन द वॉग मैगजीन इन 2017. उसके अंदर उन्होंने हर चीज़ लिखी थी कि बैक देन क्या हुआ था, हाउ ही सेक्सुअली हरास्ड हर एंड एवरीथिंग. इसमें जो आर्टिकल हुआ था रिलीज, इट वाज नेम्ड एज द टू ऑल द हार्वे वेंस्टीन्स ऑफ द वर्ल्ड. तो लेकिन इस आर्टिकल में ऐसे कुछ नेम्स यूज़ नहीं किए गए थे उस टाइम पर, उन्होंने प्रॉपरली बताया नहीं. बट शी डिस्कस समवट लाइक फॉर्मर बॉस, सेक्सुअल प्रेडेटर, उन लोगों को रेफरेंस देने के लिए डायरेक्टली किसी का नाम उन आर्टिकल्स में या कहीं भी उन्होंने नहीं प्रोवाइड किया था उस टाइम पे. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इस 1997 के इंसिडेंट के 20 साल बाद प्रिया रमानी ने 2018 में एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि आई बिगैन दिस स्पेस विद माई एम जे एक्बर स्टोरी, नेवर नेम्ड हिम बिकॉज ही डिडेंट डू एनीथिंग. लॉट्स ऑफ वेमेन have worse stories about this predator, maybe they'll share. So उसमें उन्होंने वो पहला ट्वीट था या पहला ऐसा सोशल मीडिया पर कुछ था जहाँ उन्होंने पहली बार किसी को डायरेक्टली एम जे अकबर का नाम लिया था. तो इसी के साथ क्या हुआ, 2018 में एम जे अकबर ने प्रिया रमानी के ऊपर क्रिमिनल डेफेमेशन केस लगा दिया, ये कहते हुए दैट ये किया, ये केस ये बेसिकली सोशल मीडिया साइट पे इसलिए किया गया है टू हार्म हिज स्टेलर रेपुटेशन, विच मीन्स उनकी बहुत ही ऐसी बड़ी रेपुटेशन, एक बड़ा रुतबा, ऐसी चीज़ इस चीज़ को करने के लिए. तो इसी केस में बेसिकली हुआ क्या, 2020 में जब दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, बहुत ही ज़्यादा इसके अच्छे ग्राउंड्स भी लिखे गए थे, अच्छे क्या काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया. तो इसके अंदर 3 points जो बेसिकली निकले, दे वर आर फर्स्ट वन इज कि इवन अ मैन ऑफ सोशल स्टेटस कैन बी अ सेक्सुअल हैरेसर. कोई भी इंसान को कोई भी आदमी कितना भी चाहे उसका बड़ा रुतबा हो, वो सेक्सुअल प्रेडेटर हो सकता है, ठीक है. एंड द नेक्स्ट इज द राइट ऑफ रेपुटेशन कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड एट द कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ लाइफ एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन. तो जो लेडी है वो अपनी उसके साथ कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो वो उसको कभी भी बता सकती है, कभी भी किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट पे पोस्ट कर सकती है, कोई इशू नहीं है इस चीज़ को लेके. कितने ही टाइम बाद, चाहे 20 साल बाद पोस्ट करें तब भी कर सकती है. और साथ ही साथ ये क्या कहा गया
कि एक वेमेन की रेपुटेशन या डिग्निटी को एक मैन के अंडर नहीं रखा जा सकता है, दैट इज़ इक्वल. ओके, सो दीज थ्री ग्राउंड्स ये बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क केस रहा है आज तक का. एंड इसके बाद आई टेल यू अबाउट द डेफेमेशन केस. डेफेमेशन इज़ किसी की आइडेंटिटी या किसी की रेपुटेशन को हार्म करना ऑन सोशल मीडिया या बाय वर्ड्स और स्पोकन और एक्शंस, दैट इज़ डेफेमेशन, जो कि एम जे अकबर ने पी आर अमानी के ऊपर केस पे लगाया था. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.